किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर देता है। दीपू बाबू 15,000 रुपया जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लिए। एम रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद पुनः वे 8,000 रुपया जमा किए, तो दीपू बाबू कितना रुपये वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में पाएंगे? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न में समझने वाली बात है कितना रुपया कितना महीना के लिए इन्वेस्टेड है। 15,000 रुपया 3 महीना के लिए, 12,000 रुपया 3 महीना के लिए, 20,000 रुपया 6 महीना के लिए। चलिए ब्याज को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया जाए तो 15,000 रुपया 3 महीना के लिए, 15,000 × 3 × 5/100 यहाँ पे 12 से भागा किया गया है, क्योंकि 3 महीना को वर्ष में बदला गया है। तो इसी तरह हर एक को अलग अलग वर्ष में बदल लिया गया। 1/1200 कॉमन आ गया, तो अंदर जो बचा वो है 15,000 × 3 × 5, 12,000 × 3 × 5 और 20,000 × 8 × 6 × 5। इसको कॉमन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/1200 बाहर और सारा को जोड़ लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद 8,837.50, 837। तो मिश्र धन हमारा जो हो गया वो है मूलधन जो कि 20,000 रुपया है प्लस 837.50। तो मिश्र धन हो गया 20,837.50। तो इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है कि हमारा कितना रुपये कितने समय के लिए, और चूंकि महीना में है तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे। धन्यवाद।